सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए बयान पर बीजेपी ने केजरीवाल पर साधा निशाना, कहा सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत की बात पर केजरीवाल ने सेना की कार्रवाई पर उठाए सवाल। रिजर्व बैंक के नए गवर्नर उर्जित पटेल ने अपने कार्यकाल की पहली मौद्रिक समीक्षा की पेश, रेपो रेट में कटौती, होम लोन ईएमआई में फायदा मिलने के आसार। भारत न्यूजीलैंड सीरीज रद्द होने के खबरों के बीच लोढ़ा कमीशन का अहम बयान, कहा बीसीसीआई के अकाउंट नहीं किए गए फ्रीज, रद्द नहीं होगी भारत न्यूजीलैंड सीरीज। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी की बड़ी तैयारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार दशहरा के मौके पर दिल्ली के बजाय लखनऊ के ऐशबाग रामलीला में दर्ज कराएंगे अपनी मौजूदगी। यूपी के इटावा में बारामुल्ला हमले में शहीद हुए जवान नितिन यादव के अंतिम संस्कार में उमड़ी भीड़, पिता बोले बेटी की शहादत पर गर्व, भाई भी सेना में जाने को तैयार।